और आज नई वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। हम पहुंच गए फुकेट और जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये हमारा है होटल जिसका नाम है टाइगर कॉम्प्लेक्स होटल। ये होटल चाइनीज जैसे मैं बहुत बोल रहा है काफ़ी अच्छी है। ये देखिए दिस इज़ अ लोकल मार्केट और बगल में है हमारे काफ़ी अच्छे अच्छे मॉल्स। ब्लैक टाइगर भी है, ये सब कुछ है। अब आपको अंदर लेके चलते हैं और फिर बुक द पैकेज फॉर अ फीफी आइलैंड एंड वी गॉट अ वेरी गुड प्राइस व्हिच इज 1150 पर पर्सन। सो टुमारो वी आर गोइंग टू द फीफी आइलैंड एंड वी विल गोइंग टू रॉक द शो। And we are here with the person who has booked our show tickets. Can, say hi. Hi. Can you tell us the location and the name of your company? Hello, my name is Anne. We did it for my job. So there are tour in Patong area. Welcome to next time. So you also, if you are planning to come to the Phuket, you can come here, book your packages, and the packages rate are really genuine and cheap because we have come across 5 different tour companies and this was the lowest one. इंडियन क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा हावी हो रही थी तो वी हैव कम अक्रॉस दिस रेस्टोरेंट कॉल्ड हवेली पटोंग। यहाँ पे जाके पराठे खा के आते हैं फिर आपको बताते हैं कैसे हैं पराठे। अभी हम आए हैं एक इंडियन रेस्टोरेंट में बिकॉज प्रमोद जी को कुछ वेज खाने की क्रेविंग हो रही थी सो वी थॉट कि यहाँ पर आके पनीर के, दिस इज़ आलू प्याज का पराठा, तो आलू प्याज के पराठे खाए जाए। साथ में है मिर्ची वाली चटनी और लेमन पिकल। ये है हवेली पटोंग, इस रेस्टोरेंट का नाम है। ये जो रेस्टोरेंट है काफ़ी बढ़िया है और काफ़ी अच्छा, आपको एकदम इंडियन कल्चर और इंडियन एनवायरनमेंट की खुशबू आती है। एंड यस इट वाज ओन बाय इंडियन। प्रमोद जी बताइए जरा टेस्ट करके कि कैसा है ये खाने में। दिखने में तो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है जैसे असली वाला हो। है तो असली बढ़िया बढ़िया। सो बेटर देन योर जंक फूड, योर बर्गर्स, मैकडी। इट्स बेटर देन दैट। सो जी प्रमोद जी ने तो पसंद कर दिया और उन्होंने लाइक कर दिया। मैं तो मैकडी गया था, मैकडी में मैंने सिलेक्ट करा, सारा पोर्क भरा पड़ा है, बीफ भरा पड़ा है, सिर्फ एक चिकन का इतना सा बर्गर था वो। मैं तो बेकार है। सो बोलते भाई देर आए दुरुस्त आए पर बढ़िया आए। और भाई मेरे हिसाब से तो इफ़ यू आर इन रोम बी लाइक रोमन, बट प्रमोद जी खा नहीं रहे, एक बार ट्राई करके छोड़ दिया इन्होंने, इनको उसी टाइम अच्छा लगा था, बट इज लाइक पराठे से ही इनकी भूख मिटने वाली है तो हम इनका पराठा खिला के ही भूख मिटाने वाले। हमने आज दही ला रहे थे अच्छे से, आज हमने चिकन खाया और एक ब्रेड मिली थी बहुत अच्छी थी, कल हम आपको दिखाएंगे जब हम उसे परचेज करेंगे। तो हमें आज बहुत तेज़ भूख लगी थी, हमने उसे जल्दी जल्दी में खा लिया, हमें कोई वीडियो नहीं बनाएंगे, कल आपको मिलेंगे। कैनेडिस के शौकीन है वो लोग यहाँ पर आ सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी चीज़ों में आपको मिलेगी। यू कैन हैव इन कॉफ़ी, पिज़्ज़ा एंड बियर एंड दीज आर द प्राइसेस। काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ है ये। और अब आगे चलते हैं एंड दैट इज़ द जेलेटो, काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है। जेलेटो तो नहीं खानी अभी। और एक चीज़ और आगे बिल्कुल दिख रही है अच्छी, ये देखिए मैं आप और ट्रांसफार्मर के जो शौकीन हैं उनके लिए दिस इज अ मेटल आर्ट। वाओ ये मेटल आर्ट की दुकान है स्पेशली फॉर ऑल द मेटल शॉप। बंद है, इट्स क्लोज बट आई लाइक इट। वाओ अमेजिंग यार, ब्यूटीफुल। Amazing shop. I can't stop to come here and Thailand का नारियल। और विनीत जी बताएंगे कि थाईलैंड के नारियल में क्या दम है। मीठा है यहाँ पे, स्पेशलिटी है, बर्फ में लगा के देते हैं तो अंदर से ठंडा है, बिल्कुल एकदम अमेजिंग ठंडा है। और इसमें हमने लिया है मलाई वाला, तो इसके अंदर हमें कोकोनट भी मिलेगा जो हमें पीने के बाद जो है इससे निकलवाएंगे अंदर, तो पी के देखते हैं। सुपर स्वीट है, एकदम रिफ्रेशिंग है, गर्मी बहुत है तो आपको लिक्विड पीते रहना चाहिए, कोकोनट से बेटर कोई ऑप्शन नहीं है। वैसे आप दूसरे भी आपका कोकोनट पैकेज उसमें भी मिलता है बट जो नेचुरल है वो नेचुरल है। तो काफ़ी सारे देखिए यहाँ पर थे कोकोनट, तो काफ़ी गर्मी हो रही है तो हमने सोचा कि कोकोनट लिया जाए, टेस्ट किया जाए। मलाई थी,
मशहूर मलाई, अब आप ये मलाई इसी में हमने आइसक्रीम खाई थी। यस, सो इसी में हमने कल तगड़ी मलाई। यस, तो वीर जी खाइए मलाई भाई। सबसे बेटर ये है कि बर्फ पे लगा हुआ है, एकदम ठंडा है, तो इतनी गर्मी है ना यहाँ पे कि खा के एकदम रिफ्रेशिंग फील हो। बिल्कुल यार, और भाई कोकोनट वैसे भी ठंडा होता है, इसकी तासीर ठंडी होती है, और ठंडा ठंडा कोकोनट मिल जाए, एंड इट्स अ 50 भात विच इज गुड इनफ। तो हम तीनों ने इसे टेस्ट किया, काफी अच्छा लगा। टेल मी हाउ मच वी नीड टू पे फॉर दिस शूज। सो गाइस, हम लोगों ने कल की तैयारी कर ली, बिकॉज वी आर गोइंग टू फीफी आइलैंड, दैट्स व्हाई वहां पे सैंड होगी, तो हम लोगों ने सैंड शूज ले लिए हैं और स्लीपर्स भी ले लिए, तो काफी अच्छी शॉपिंग हो रही है आज, कल की पूरी तैयारी है, और दिस इज अ नाइस शॉप जहां पर हम लोगों ने अपने शूज ले लिए। अब आगे बढ़ते हैं बीच पर, और काफी जबरदस्त सनराइज हीट है, और बट हीट के साथ यहाँ की सैंड भी काफी गर्म हो रही है, पर जो लोगों का उत्साह है वो भी देखने लायक है, और हमारा कच्चा पहलवान देख लीजिए, ये जो सफेद कच्चे में हमारा कच्चा पहलवान पानी में घुस चुका है, अभी थोड़ी देर में इसको दिखाते हैं। काफी, और आप यहाँ पर देख ही सकते हैं क्रूज को भी सामने, ये देखिए इस क्रूज, और लोग आपको देख रहे होंगे पैराग्लाइडिंग करते हुए, क्रूज का मजे लेते हुए, और इस तरफ आप देखेंगे तो काफ़ी बढ़िया जगह बना रखी है लोगों के स्विमिंग करने के लिए, और लोग वाटर राइड्स भी ले रहे हैं। काफ़ी अच्छा, काफ़ी बेहतर। दिस इज़ अ रियल बीच जहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं अपनी जो भी बिताने विटामिन डी के लिए, विटामिन डी के लिए बेसिकली हम लोग टैन होने आते हैं। यस, इतनी क्लियर सनशाइन मिलती नहीं है तो वो इसलिए। बिल्कुल यस, एंड हेलो लाइक थाईलैंड बीच आर फेमस फॉर देयर नो ओवरऑल ईयर लॉन्ग सनशाइन, सो जो यहाँ की जो बेसिकली जो बीचेस है पूरे साल भर अच्छे खासे सनशाइन रहती है, तो बड़ा अच्छा लगता है, और लोग दूर दूर से आते हैं। हाँ हाँ, वही तो बोला, यहाँ पे ना ऐसे करते हुए यहाँ बैठ सकते हैं, या आराम से बैठिए और इंजॉय कीजिए। नजारों के जेली फिश है, वो ध्यान से चलना है। विकास और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बेफिक्रे, और मेरे साथ है मेरे दोस्त विनीत और प्रमोद, और अब टाइम है होटल से
बाहर निकलने का, नाइट लाइफ को एक्सप्लोर करने का। तो चलिए हमारे साथ, आपको पतोंग नहीं, आपको दिखाते हैं फुकेट की नाइट लाइफ, जहाँ पर स्पेशल बंगला स्ट्रीट पे आपको लेकर जाया जाएगा और एडल्ट नाइट लाइफ से रूबरू कराया जाएगा। तो चलिए, उससे पहले हम लोग जाने वाले हैं कुछ पेट पूजा करने के लिए, खाते पीते हैं और कुछ हमें So, अब देखिए रात जवान हो चुकी है और चारों तरफ आपको लाइट दिख रहे होंगे, बहुत मजे आने वाले हैं। और चकाचौंध है और ये कुछ बोल रहा है ये लड़का, इसको भी दिखाता हूँ, ये बोल रहा है इसे कराएंगे, देखिए सब कुछ है फ्रेश फ्रेश। अगर कुछ कमी वैसी हो गई तो आप खाते हैं, आप लोग खाते हैं, बहुत जबरदस्त भूख लगी है, तो टाइम ना वेस्ट करते हैं, इंजॉय करते हैं अपना। चाय है ये बंगला रोड जो पीछे आपको दिख रहा है, पतोंग बीच। सो यहाँ पर आप यहाँ की नाइट लाइफ को एंजॉय करते हैं। ये है नाइट लाइफ, हम सुबह आए थे तो बिल्कुल ऐसा था जैसे हम कोई नहीं रहता और अब यहाँ पैर रखने के लिए जगह नहीं है। This is too much crowded, too much happening. And today is a Saturday night, so बहुत धमाल होने वाला है। बहुत धमाल है, एकदम मजेदार है, सारी तरफ भीड़ देख सकते हो, यहाँ से वहाँ तक पैर रखने की जगह नहीं है। We are enjoying it so much. And so let's go with us. साथ चल। अपने एंजॉय कर रहे हैं बियर लेके।
on the beach of Pasan. Yay! Yo!